नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का तो चुनाव हो चुका है, 3 चरण का बाकी है, यानी 19 मई, 24 मई और 27 मई, यानी जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होना है, यानी 27 मई को। तो हम लोग आए हुए हैं रांची ज़िला में। मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है ब्राम्बे, और हमसे जुड़ी हुई हैं इंदु तिग्गा जी हैं। ये समाज सेवी भी हैं, समाज में काम करते रहते हैं, लेकिन इस बार मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो फाइट करने का कारण क्या है और सामाजिक काम करते हुए क्या कुछ उनको समस्या हो रही है सामाजिक काम करने में, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों का क्या शिकायत है, लोगों का क्या डिमांड है, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत का डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा। हालांकि कोई भी मुखिया बनेगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी योजनाएँ हैं उसको 100% धरातल पर उतारने का काम करेगा, लेकिन आपको जनता वोट क्यों करे, आपका कुछ मैनिफेस्टो होगा। तो तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको इंदु जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये होता ये कि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, इससे पहले आप समाज सेवी थे, समाज सेवी रहते हुए आपने कुछ ऐसा काम किया जो आपको लगे कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो तो आपने किया ही, लेकिन आपको पद की दरकार हो गई, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक पद नहीं मिलेगा जितना डेवलपमेंट या जो सामाजिक काम करना है वो आपसे नहीं हो पाएगा, यानी पद की आवश्यकता है। तो आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, अब लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत आपको सुनने के लिए मिल रहा है और लोगों का क्या डिमांड है? हम आपको बतला देना चाहेंगे कि शुरू से ही हमको समाज सेवा का शौक रहा है। अभी नहीं, जब कॉलेज में थे तब से हमने अपने स्तर से हमेशा ही गरीबों का मदद करने का कोशिश किया। जैसे हमारे गार्जियन हमें पढ़ाते थे, हमें साइकिल दिया गया था, साइकिल कॉलेज जाने के लिए दिया हुआ नहीं था, वो हम लोगों को घर का काम के लिए दिया हुआ था, लेकिन हम कांके से डोरंडा कॉलेज जाते थे साइकिल में, और जो हमको भाड़ा पैसा मिलता था वो हम किसी गरीब को देते थे। तो ऐसे उनका गरीबों को जो मदद होता था उनके चेहरे का खुशी देख के हमारा मनोबल बढ़ता था। जैसे कि हमने गरीब परिवार के कुछ लोगों को पूंजी के लिए भी पैसा दिया है, ज़्यादा तो नहीं था, हम स्टूडेंट थे, 1000 रुपया, 1200 चना दुकान के लिए। इसे करते करते जब हम ऊपर आए, हम लोगों का रहना कांके में होता था, कांके से हम लोग डोरंडा कॉलेज जाते थे, ये सिलसिला चलता रहा। जब हमने अपना पढ़ाई ख़त्म किया, जब हमारे पूर्वज वहाँ से, हमारे माता जी जो है वहाँ से रिटायर कर गई, तो हम लोगों को अपने पुरखौती घर आना पड़ा। जब हमने यहाँ आया तो यहाँ का अपने गांव का माहौल देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरकार का योजना तो बहुत है लेकिन योजना चलाने वाले लोग जो कि गरीब तक काम कर सके जो मेरे पसंद लायक नहीं थे। मैंने पिछले बार भी मुखिया पद के लिए अप्लाई किया था या तो फिर हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो नए होने के कारण हमको नहीं जानते थे गांव वाले, जिस कारण से हमको हार देखना पड़ा। लेकिन हम आपको बतला देना चाहेंगे कि हमने हारा नहीं। 5 साल जो हो गया हमारा मुखिया पद हारे हुए, उसके बाद में 2 साल कोरोना काल, 7 साल हो गया। 7 साल में मैंने इतना कार्य किया जो कि हमको बहुत तसल्ली हुआ। हम घर घर जाके गरीबों को घर से दुख देखा, कैसे लोग को रोना आता है, माने कि उनका 3 दीवार है, 4th दीवार टूटा हुआ है, लेकिन उसके लिए विचार नहीं किया जाता है, जबकि वहाँ माँ है, बेटी है, जो कि आज के क्षेत्र में वो सुरक्षित नहीं है। सबसे पहला उस घर को दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार जो नियम निकाली है कि सरकारी योजना जो आता है सीरियल वाइज, तो वो उन्हीं का इंतजार करते हैं
कि आपका घर का चौथा दीवार टूट गया है, आप वहाँ मरते हैं, कोई आपका घर में डकैती डालता है, आपका बेटी के साथ क्या होता है इसको देखा नहीं जाता है। लिस्ट वो बहुत अच्छा चीज़ है, लोग इंतजार करते हैं। लिस्ट तो मुखिया ही तैयार करते हैं ना। हाँ, अब जैसे कि तो हो सकता है कि जो आप उनके जो खास व्यक्ति होंगे उनको दिया गया होगा। अब ये तो हम आपको नहीं बतला पाएंगे कि लिस्ट कौन तैयार करता है, लेकिन जो हम आपको फील्ड में देखे हैं, चूंकि हमने तो पद में आया ही नहीं क्लियर से, हम आपको नहीं बतला सकेंगे। तो पब्लिक का यही मांग है कि जब मेरा घर टूटा हुआ है और हमने उस घर को जाके भी देखा है जो कि दयनीय है, जिसको देना चाहिए, जिसको नहीं मिला है, और जिसके बेटी और पत्नी सुरक्षित नहीं है उसको नहीं मिला है। विधवा पेंशन का बात है, जो बिल्कुल बुढ़िया हो चले हैं लेकिन उनको कहा जाता है कि 1 साल आप रुकिए। इसके अलावे है महिला, यहाँ पर लोग चाहते हैं इसलिए कि महिला अपना दुख नहीं रख पाते हैं। अभी जैसे आजकल हर किसी को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, तो बहुत महिलाएं ऐसे हैं कि अपना उम्र कम कर लेती हैं, वो पढ़े लिखी नहीं हैं, वो पूरा बूढ़ी हो गई है, ज़मीन में घिसट के चल रही हैं, लेकिन उनका 60 साल नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि मुखिया होने के नाते इस पर विचार करना चाहिए कि अगर उसका किसी कारणवश वो अपना डेट ऑफ बर्थ बनाने में गलत किए अज्ञानता के कारण, तो क्या उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल विचार होना चाहिए। और हम अभी पंचायत में घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं सरकारी योजना जो है, सरकारी योजना के लिए हर जगह के मुखिया काम कर रहे हैं दिलो जान लगाकर, लेकिन वो जनता की जो मांग है, जनता की जो दुख दर्द है, उसको वो नहीं देख रहे हैं। वो एक कर्क रेखा लिखा हुआ है उसको ही वो पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो सरकार तो एक टारगेट बांध के करती हैं, हमको उनका बतलाना है कि जो आप बताए हैं उनसे हमको थोड़ा सा हट के चाहिए, चाहे बच्चे का पढ़ाई में, चाहे युवाओं का नौकरी में, या चाहे विधवाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इस बात को के लिए हम लड़े गरीब। आपने, आपका जो मैनिफेस्टो है क्या है, मैनिफेस्टो में क्या किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? किसानों के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग के पास है, खेती करने वाले बहुत हैं, और हमारे गांव में जो है खेती से ही जीने वाले हैं, हमारा गांव को ही नहीं बोल सकते हैं, हमारे यहाँ सब्जी वगैरह यहाँ से नियात किया जाता है, हमको लगता है देश के कोने कोने तक यहाँ से पहुँचता है, लेकिन जो सुविधा हमारे किसानों को चाहिए वो यहाँ नहीं है। आपका मैनिफेस्टो में क्या है, किस तरह से आप किसानों को लाभ देने का काम करेंगे अगर मुखिया बनेंगे तो? जैसे कि यहाँ पर किसान जो है सिंचाई के लिए है, सिंचाई के लिए तो मांगता है, कुआं आता है, डीप बोरिंग आता है, लेकिन सही नहीं हो पाता है। और किसी किसान का बहुत बड़ा खेत है तो वो पटाने में असमर्थ है, पूंजी का अभाव है। केसीसी भी यहाँ पर होता है, लेकिन लोग केसीसी बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन केवल देना ही एक समस्या का समाधान नहीं है, उसको देखना है कि वो उसको रख रखाव का व्यवस्था करना है। यहाँ पर जैसे कि वार्ड सदस्य हमारे यहाँ पहले 13 थे, अब 15 वार्ड के सदस्य हैं, तो यहाँ पर केवल जो सरकारी योजना है उन्हीं पर वार्ड सदस्यों को काम करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन अगर वार्ड सदस्य को इस क्षेत्र में भी छोड़ा जाए तो वो बहुत अच्छा हम लोगों का यहाँ पर प्रोग्रेस बेहतर काम कर सकता हो सकता है। अच्छा, युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? ग्रेजुएशन करने के बाद लोग इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, नौकरी तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन रोजगार कैसे आप मुहैया करवा सकते हैं अगर मुखिया बनते हैं तो? मुखिया बनने पर युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा सोच है, क्योंकि युवाओं को नहीं सोचने के कारण वो बाहर जाते हैं, पढ़ते तो BA तक है लेकिन जाके भाटा में काम करते हैं जो कि उचित नहीं है। वो एक समय तक काम करेंगे और जब शरीर थकेगा तो वो आ जाएंगे, ना वो खेती करने लायक रहेंगे और ना वो बाहर जाके कमाने लायक रहेंगे। हमारा खेती भी बहुत अच्छा है, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो उसमें उसको बढ़ावा दिया जाए नए तकनीक के द्वारा, क्योंकि सरकार अब बहुत बहुत योजनाएं देती हैं। और सबसे बड़ी बात है युवाओं को डर है कि अगर हम खेती को अपना
चॉइस करते हैं तो कल हम धोखा खाएंगे। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पूंजी का अभाव है। एक खेती तो वो कर लेता है लेकिन अगर मौसम का आपदा आ जाता है तो वो डूब जाता है, और जिसके कारण जैसे कि वो ब्लॉक से अभी मिलता है, नहीं मिलता है का बात नहीं है, लेकिन इसको नियमित या तो उसको संघर्षपूर्ण नहीं करने से वो डूब जाता है, तो वो फिर हिम्मत हार जाता है और इधर उधर भागने का कोशिश करता है। तो युवाओं के लिए हम यही सोचेंगे कि अगर वो हमारे यहाँ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे सरकारी योजनाएँ आ रहे हैं, पंचायत लेवल पे आ रहे हैं, विधायक लेवल पे आ रहे हैं, हम चाहेंगे जितना भी हमारे युवक है, पढ़े लिखे युवक है, उनको यहाँ काम दिया जाए। इसके अलावे जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ और हमारे यहाँ आपका होटल मैनेजमेंट हुआ, तो यहाँ पर है कि यहाँ भी क्रमिक की आवश्यकता है, यहाँ की क्रमिक की आवश्यकता है। तो आज तो हम मुखिया के लिए अप्लाई किए हैं या तो वोट लड़ रहे हैं, कल जब हम जीतेंगे तो हम उनसे जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ और हमारे यहाँ आपका होटल मैनेजमेंट हुआ, तो यहाँ पर है कि यहाँ भी क्रमिक की आवश्यकता है, यहाँ की क्रमिक की आवश्यकता है। तो आज तो हम मुखिया के लिए अप्लाई किए हैं या तो वोट लड़ रहे हैं, कल जब हम जीतेंगे तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या आपको गार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्या आपको माली की आवश्यकता नहीं है, क्या आप यहाँ पर क्लर्क नहीं रखते हैं, तो जब आप रखते हैं तो हमारे योग्य युवक को क्यों नहीं लीजिएगा। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है ना कि 1932 खत्यान्न होता है तो सरकारी नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो ये कानून लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है, 1932 खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान एकदम लागू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी आज तक में केवल सुनते आए हैं 1932 का खतियान, 32 का खतियान, लेकिन आपको हम बतला देना चाहते हैं कि हम लोग का झारखंड अलग हुआ है हम ही लोग के लिए, कि आप यहाँ पर सुरक्षित रहें, आप यहाँ पर रोजगार पाए, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाया है 1932 का खतियान। यही कारण है कि आज हमारे झारखंड के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी पलायन करते हैं। अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो जो हमारे लोकल, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट है, तो हमारे यहाँ जो फोर्थ ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इसमें हमारे स्थायी लोग बहाल ले सकते हैं। इसके अलावे केवल थर्ड और फोर्थ में क्यों, जब हमारा यहाँ पर बीए किया हुआ है, इंजीनियर किया हुआ है, तो जब यहाँ बहाल होगा तो हम तो चाहेंगे कि जैसे आप वैकेंसी निकालेंगे हमारे लोकल युवा भी वैकेंसी में फाइट करेंगे, क्योंकि जब वो वैकेंसी में फाइट करेंगे और जब वो सफल होंगे तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में भी उनको आने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो सरकारी स्कूलों में हैं, बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, गार्जियन भी सोचता है कि चलो कम से कम एक टाइम का खाना तो खा लेता है, जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ाई की, पूछते हैं कि आपने खाना खाया कैसा लगा। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा है, अगर मुखिया बनते हैं तो कैसे आप क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे प्राप्त करवाएंगे? ये बात सही है कि अब जैसे कि सरकारी स्कूलों में खाने से हम आग्रह करेंगे, क्योंकि स्कूल जो अभी है सरकारी स्कूल, बहुत अच्छा योजना है हमारे सरकार का, लेकिन सरकार जो है ना, टीचर जो वहाँ के कार्यकर्ता है, उन्हीं को खाने का जिम्मा या तो फिर खाना का लिस्टिंग करना, तो हमको लगता है ना कि हमारे क्लास के देखिए खाना बनाने के लिए तो अलग से स्टाफ वगैरह रखा हुआ ही है, वो एक पाकशाला बनाया गया है, एक अलग से रूम बनाया गया है, टीचर को काम है बच्चों को पढ़ाना, खाना ठीक है, क्या सामान आया क्या गया वो तो बात की बात है, वो तो रेस्टोरेंट मेंटेन कोई भी करता है, लेकिन बच्चों को तो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। तो अगर आप मुखिया बनेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे आप? हम यहाँ पर जैसे कि यह गांव वालों को सबसे बड़ी बात है कि प्रोत्साहन की कमी है, जागरूक करना पड़ेगा और हमारे गाँव में
जैसे कि आपको हम बता देंगे, सब यहाँ रोकाड़ी कमाने वाले हैं और सब विशेषकर भाटा जाते हैं, जिस कारणवश वो बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अगर वो भाटा से आते हैं ना, तो 6 महीना वो चाहते हैं कि बच्चा मेरा स्कूल में बैठे ताकि उसको खाना मिल जाए, उनका यही उद्देश्य रहता है। तो सबसे तो बड़ा ना कि जैसे सब गार्जियन लोग पूछते हैं कि भाई पढ़ाई हुआ या नहीं, वो नहीं पूछते हैं, पूछते हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, यही ना पूछते हैं सब। बच्चे छोटे हैं, बच्चे को जहाँ खाना मिलेगा वो जाएगा जहाँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग को माताओं को जागरूक करना पड़ेगा, महिला को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बतलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ हमको आज भी लगता है कि ये जो है फील्ड वर्क है पढ़ाई का लेके, चाहे अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए मैदान बन रहा है, तो मैदान बनने के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करके निकालना होगा घर से, उनको बतलाना होगा पढ़ाई क्या है और पढ़ाई से क्या फ़ायदा है। तो इसके लिए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एजुकेशन के लिए भी आपका बेहतर मैनिफेस्टो में है कि कम से कम खाने पीने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन हो, और इसके साथ साथ महिलाओं को आप जागरूक करने का काम करेंगे ताकि जो महिलाओं का अधिकार है वो अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकार को प्राप्त करने का काम करें। किसानों के लिए भी आपने सोचा कि जिस तरह से बेहतर खेती हो, क्योंकि बहुत सारे जो है बीमा वगैरह भी करा सकता है, फसल बीमा होता है, इसी तरह से नए नए तकनीक के द्वारा वो भी खेती बाड़ी कर सकता है कि कम समय में अधिक लागत का कोई ऐसा खेती बाड़ी हो सके। तो ये आपका मैनिफेस्टो में भी है। रोजगार को लेकर भी आपने कहा कि 1932 का खतियान लागू होगा, तो सरकारी नौकरियों में भी उन लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा ताकि अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सके, सहयोग कर सके। इसके साथ साथ आप इस प्रोत्साहन की कमी है, जागरूक करना पड़ेगा। और हमारे गांव में जैसे कि आपको हम बता देंगे, सब यहां रोकाड़ी कमाने वाले हैं और सब विशेषकर भाटा जाते हैं, जिस कारणवश वो बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अगर वो भाटा से आते हैं ना, तो 6 महीना वो चाहते हैं कि बच्चा मेरा स्कूल में बैठे ताकि उसको खाना मिल जाए, उनका यही उद्देश्य रहता है। तो सबसे बड़ा ना कि जैसे सब गार्जियन लोग पूछते हैं कि भाई पढ़ाई हुआ या नहीं, वो नहीं पूछते हैं, पूछते हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, यही ना पूछते हैं सब। बच्चे छोटे हैं, बच्चे को जहाँ खाना मिलेगा वो जाएगा जहाँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग को माताओं को जागरूक करना पड़ेगा, महिला को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बतलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ हमको आज भी लगता है कि ये जो है फील्ड वर्क है पढ़ाई का लेके, चाहे अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए मैदान बन रहा है, तो मैदान बनने के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करके निकालना होगा घर से, उनको बतलाना होगा पढ़ाई क्या है और पढ़ाई से क्या फ़ायदा है। तो इसके लिए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एजुकेशन के लिए भी आपका बेहतर मैनिफेस्टो में है कि कम से कम खाने पीने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन हो, और इसके साथ साथ महिलाओं को आप जागरूक करने का काम करेंगे ताकि जो महिलाओं का अधिकार है वो अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकार को प्राप्त करने का काम करें। किसानों के लिए भी आपने सोचा कि जिस तरह से बेहतर खेती हो, क्योंकि बहुत सारे जो है बीमा वगैरह भी करा सकता है, फसल बीमा होता है, इसी तरह से नए नए तकनीक के द्वारा वो भी खेती बाड़ी कर सकता है कि कम समय में अधिक लागत का कोई ऐसा खेती बाड़ी हो सके। तो ये आपका मैनिफेस्टो में भी है। रोजगार को लेकर भी आपने कहा कि 1932 का खतियान लागू होगा, तो सरकारी नौकरियों में भी उन लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा ताकि अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सके, सहयोग कर सके। इसके साथ साथ आप इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? इस पंचायत में मॉडर्न बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी महिलाएं हैं जिनको JSLPS के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्री दिए गए हैं, लेकिन फैक्ट्री दे देने से वो महिलाएं कितना तक काम करेगी यही नहीं पता है, लेकिन उस महिलाओं के मनोबल को बढ़ाना है। अभी जैसे फैक्ट्री है तो उसके मनोबल को बढ़ाना है, उनको करने के लिए प्रेरित करना है, अभी तब जाके हमारे यहाँ विकसित का काम होगा। इसके अलावे जैसे हमारे पास पंचायत भवन जो है, पंचायत भवन का सही उपयोग, पंचायत भवन जो है उसमें उसका रख रखाव, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर जब आपका यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, हम उनको यहाँ बुलाने का काम करेंगे, खेल के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित कराने का काम करेंगे, यहाँ पर हमारे बच्चे बहुत खेलते हैं लेकिन उनको सही
दिशा निर्देश नहीं मिलता है, हाँ सही उसको जगह नहीं मिल पाता है, सही पकड़ नहीं हो पाता है, तो वो केवल खेल में ही रह जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ अगर सही से काम होगा, हमारे यहाँ अगर मुखिया सही आता है तो हमारे गांव का विकास सुनिश्चित है। हम इसलिए बता देना चाहेंगे क्योंकि महिला समूह के द्वारा फैक्ट्री है नाना प्रकार के, जैसे कि आपका मशरूम का है, आपका प्लास्टिक बैग का है, ट्रैक्टर यहाँ है, जल का है, इस तरह और भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारे यहाँ जैसे कि हमने आपको इधर बतलाया होटल मैनेजमेंट है। आने वाले दिन में हमारे यहाँ खेल गांव है, जैसे खेल का जो व्यवस्था किया जा रहा है इसमें हम स्कूल के बच्चे को प्रोत्साहन करके ला सकते हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल है तो इसको अगर हम लोग सही से मार्गदर्शन कर पाते हैं तो हमारा गांव जो आज ये बरहम्बे गांव है ये बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म का या तो बहुत विकसित और विकासशील गांव होगा। इसको सही मुखिया की आवश्यकता है जो सही मार्गदर्शन कर पाए। अभी जैसे कि यहां पर आज महिला, आज हम आपको बतला देना चाहेंगे हमारे यहां मुखिया में महिलाओं का सीट है, तो यहाँ पर ऐसी महिला चाहिए जो कि मार्गदर्शन कर पाए, ऐसी महिला नहीं चाहिए जो कि सही माने कि निष्कर्ष ना ले पाए, माने कोई कागज आता है तो उनको पति का सहारा लेना पड़े, ऐसी महिला चाहिए जैसे कि महिलाएं अपने घर के लिए तुरंत फैसला करती हैं कि हाँ हमको आज क्या करना है, बच्चे का पढ़ाई कैसे करना है, वो पति से पूछने नहीं जाती हैं कि आप मेरे बच्चे को कैसा पढ़ाई देंगी, वो सीधे खींच देती है कि हम अपना बच्चा को यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको इस क्षेत्र में हमारा मदद करना है। तो वही महिला चाहिए जो कि एक निश्चिंत करे कि आपको ये काम करना है, ऑन द स्पॉट वगैरह कुछ भी काम कर सके, कुछ भी काम हो तो वो फैसला ले सके, ऐसे नहीं कि कोई अगर मनोबल के साथ में यहाँ आए और उसको बोला जाए कि हाँ हम आपके लिए काम करेंगे, हम एक दो जन से विचार करते हैं, तो वो जो उनका मनोबल है वो कम हो जाएगा। अभी हम आपको बता देना चाहेंगे हमारे यहाँ ऐसे ही दो तीन बच्चे हैं जिसका हमने मनोबल बढ़ाया है, हमने उसको पैसे से मदद नहीं किया, हमने उसे पैसे से मदद नहीं किया लेकिन हमने उनका मनोबल बढ़ाया। एक बच्चा यहाँ पर राजू नाम करके है जो इंग्लिश मीडियम कांके में है, उनमें वो पढ़ा करता था, तो बच्चे तो लड़का बच्चा ऑलरेडी वो उदंड होते हैं जिसको कि प्यार से समझाने का ज़रूरत होता है। वो बच्चा मैट्रिक के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे, उसके बाद किसी कारणवश वो स्कूल के टीचरों से अखुश हुए ना और वो पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद एक डेढ़ साल के बाद वो मेरे पास आए कि दीदी अब हम क्या करेंगे, तो हमने उसको बहुत प्यार से समझाया कि तुम्हारे पास कूली काम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब नाइन्थ में आप हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर उस लड़के को हमने समझाया तो दीदी अब हम क्या करेंगे, तो हम बोले ठीक है आप जाइए सर से माफ़ी मांगिए कि सर हमसे गलती हुआ है, ये तुम्हारा भविष्य है बाबू, आज अगर तुम किसी के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, और वो हमारे प्रिंसिपल है, वो हमारे गार्जियन है, वो हमारे हमसे ज़्यादा हमारा कैरियर को वो जानते हैं, क्योंकि वो हमको हमसे ज़्यादा जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिएगा लेकिन वो आपको बताएगा। उसको बहुत प्यार से समझाया, वो बच्चा गया बातें किया, आज वो मैट्रिक करने के बाद में वो मैट्रिक पास करने के बाद में कॉलेज किया, आज के डेट में वो बाहर काम कर रहा है। तो इसी तरह से हम हमारे पंचायत का जो युवक है जो कमज़ोर है उसको हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि आप पढ़ के कम भाठा काम करने ना जाए। जी तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं इंदु तिग्गा जी हैं, इनका कहना है कि इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए मैं हर स्तर पर काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसानों का उत्थान हो, इस पंचायत को मॉडर्न बनाने का भी हो, तो तमाम मुद्दों पर मैं डेवलपमेंट करने का काम करूँगा ताकि इस पंचायत का जो मॉडर्न रूप जो है इस पंचायत तक सीमित न रह करके जिले और राज्य तक इसकी सुनाई दे, ताकि इस पंचायत का नाम लोग जाने कि इस पंचायत के जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भाई मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।